वेलकम गाइस। देखिए आज हम बनाने वाले मटर पालक। उसके लिए चाहिए पालक, मटर, एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, धनिया, मिर्ची, लहसुन और कटा हुआ अदरक। और आगे के प्रोसीजर हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। देखिए हमने अभी ये मटर उबाल लिए हैं और अभी इसको हम थोड़ी देर में उतार लेंगे। देखिए गाइस हमने ये यहाँ पे पानी उबाल लिया है, इसमें हम अभी पालक उबालेंगे। इसको हम 3-4 मिनट अभी उबाल लेंगे और बाद में उसको थोड़े नरम होने के बाद उतार लेंगे। देखिए अभी हम अब टमाटर और प्याज की पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने अभी ये पालक उतार लिया है और अभी इसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि उसका टेस्ट बरकरार रहे। देखिए अभी हमारी पेस्ट हो चुकी है, अभी हम दूसरी पेस्ट बनाएंगे जिसमें है मिर्ची, अदरक और लहसुन। ये अदरक गया और ये लहसुन गया, अभी हम इसकी भी पेस्ट बनाएंगे और धनिया भी डाल देंगे थोड़ा सा साथ में। अभी हमने ठंडे पानी से निकाल लिया, उसका पानी निकाल लिया है और अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए ये हमारी 3 पेस्ट रेडी हो चुकी है। ये पालक की पेस्ट है, ये मिर्ची अदरक लहसुन की पेस्ट है और ये प्याज और टमाटर की पेस्ट है। अभी हम इसका यूज़ करेंगे। अभी हमने पतीले ले लिया है और इसमें अभी हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे। ये जीरा हमने डाल दिया है और उसमें और एक तेज पत्ता डाल देंगे, उसको होने देंगे। अभी हम ये टमाटर और प्याज की पेस्ट इसमें डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से पकने देंगे। हमारी प्याज और टमाटर की पेस्ट अभी पक चुकी है, अभी हम इसमें डालेंगे मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। हमारे ये मिक्स पक चुका है और अभी हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, डालेंगे इसमें थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अभी देखिए ये हमारा मिक्स रेडी हो चुका है और इसमें अभी हम उबाले हुए मटर डालेंगे और उसको पकने देंगे थोड़ी देर। अभी इसमें हम पालक की पेस्ट डाल देंगे। ये हमने पालक की पेस्ट डाल दी है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको पकने देंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और बाद में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। हमने पानी ऐड कर दिया है और इसको अभी हम पकने देंगे। ये अभी हमारी सब्जी पकने को आ गई है और अभी इसमें हम थोड़ी देर में कसूरी मेथी डालेंगे। ये हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं, उसको मसल के ही डालनी पड़ती है कसूरी मेथी को ताकि इसमें स्वाद आए। ये कसूरी मेथी हमने डाल दी है, अभी इसको हम 2-3 मिनट में नीचे उतार लेंगे। फिलहाल उसको हम धीमी आंच पे रखेंगे। देखिए ये सब्जी अभी लगभग पकने को आ गई है, अभी हम इसमें मलाई डालेंगे, थोड़ी सी मलाई। हमने मलाई डाल दी है, ये हमारी सब्जी तैयार हो गई। हम सर उसको थोड़ा सा घुमा लेंगे, मलाई को उसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से थोड़ा क्रीमी फ्लेवर के लिए। अभी ये सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, अभी हम इसको गैस बंद करके उतार लेंगे। तो ये आप घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कैसी रेसिपी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।